एक बार फिर करण सिंह दलाल ने मुखर होकर दिया बयान, जनता के लुटेरे नेताओं और अधिकारियों को भेजेंगे जेल, पकड़ के अंदर डालेंगे जब पता चल जाएगा कौन है वो। अवैध टोल प्लाजा को जल्द ही उखाड़ फेंकेंगे, तो हम इस टोल को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। करण सिंह दलाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हरियाणा की राजनीति में ये नाम जितना पुराना है उतना ही अधिक चर्चाओं में बना रहता है। अलग अलग तरह के मुद्दों को उठाकर ये नाम जनता के बीच सुर्खियां बटोरने में और हमेशा मीडिया में संजीव बना रहता है। जी हाँ, करण सिंह दलाल लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी इनकी आवाज मुखर होकर गूंजती है। पिछले दिनों गदपुरी टोल प्लाजा को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। आपको याद होगा उस दौरान अवैध देसी कट्टा दिखाकर धरना प्रदर्शन कर रहे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और कई नेताओं को धरना स्थल पर एक बदमाश धमकाता हुआ दिखाई दिया था। आज फिर वही टोल प्लाजा है और मुद्दा भी जनता से जुड़ा हुआ है। करण सिंह दलाल ने टोल प्लाजा चलाने वाले अधिकारियों और भाजपा नेताओं के खिलाफ मुखर होकर बड़ा बयान दे दिया है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का कहना है कि अगर सरकार बनी तो इन नेताओं और अधिकारियों को जेल में डालने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतजार है बस कांग्रेस की सरकार बनने का। इन जनता के लुटेरों को सरकार बनने पर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि ये दोबारा जनता को लूटने की बात अपने सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश को अपना परिवार बताते हैं। क्या ये इलाका उनका परिवार नहीं है? क्यों यहाँ आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और उसके नेता अपनी तिजोरियाँ भरने में लगे हुए हैं? उन्होंने कहा कि जनता ने कमर कस ली है और इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। फिर ऐसे भ्रष्ट नेताओं और इन टोल प्लाजा के अधिकारियों द्वारा अवैध तरीके से की जा रही वसूली का बदला अवश्य लिया जाएगा। चलिए आप ही सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो हम बदरपुर टोल को भी उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका है, वो गैर कानूनी। और अब जो गैर कानूनी टोल लिया जा रहा है और जो दरें बढ़ाई जा रही हैं और हमारे जो जाम है, पलवल आज भी जामनगर बना हुआ है, बल्लभगढ़ के पुल पर आज भी बुरी तरह से जाम लगता है, जो बदरपुर का टोल है वो भी गैर कानूनी है, उसका समय पूरा हो चुका है। जो बदरपुर में टोल है उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी वहां टोल लेने का काम चल रहा है। कोई जब जांच होगी, जब हमारी सरकार आएगी तो उनको सबको पकड़ के अंदर डालेंगे, जब पता चल जाएगा कौन है वो। तो हम इस टोल को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और भाजपा के नेताओं के खिलाफ और टोल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे कि तुमने 60 किलोमीटर के अंदर बिना 6 लेन का प्रोजेक्ट को पूरा किए, जो गैर कानूनी टोल लगा करके इलाके को लूटने का काम चल रहा है, उसके लिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले आज भी मैं लड़ाई हाईकोर्ट के अंदर मेरे नाम से लड़ी जा रही है। हम हाईकोर्ट में भी इसकी दरखास्त लगाएंगे कि जब ये 60 किलोमीटर के अंदर इनका मंत्री ये बयान दे रहा है कि टोल नहीं लग सकता, तो वो टोल क्यों लगाया जा रहा है। और दूसरा हमारा विरोध ये है कि जब 6 लेन प्रोजेक्ट ये बना ही नहीं, पलवल में 4 लेन है जो फ्लाई ओवर है, बल्लभगढ़ का जो फ्लाई ओवर है वो 4 लेन है, आप बल्लभगढ़ से पलवल आए तो जाम में खड़ा होना पड़ता है, पलवल से फरीदाबाद जाए तो बल्लभगढ़ के जाम में खड़ा होना पड़ता है, ना सड़क की सुविधाएं हैं। जो टोल कंपनी ने जो सुविधाएं टॉयलेट रेस्ट रूम्स की, जो सुविधाएं इनको एम्बुलेंस की, जो सुविधाएं जो यात्रियों को बीच में कहीं रोक करके कहीं अपना आराम विश्राम करने की जो सुविधाएं थी, वो सुविधाएं भी इसमें नहीं दी गई हैं।